हाय माय यूट्यूब फैमिली सो फाइनली जिस वीडियो के लिए आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी सो so, वो वो वाली वीडियो आज मैंने लाइव कर दी है आप लोगों के लिए विच इज़ ऑन फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट्स तो गैस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमें हर जगह अपने पोर्टल पर दिख रहा है माइल आखिर ये माइल है क्या चीज़ एंड माइल को हमने कम्प्लीट कैसे करना है एंड जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा अपने आपके कैलेंडर पर कैलेंडर पर हमें न्यू अपडेट शो कर रही है एटीथ ऑफ अगस्त की जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट माइल टू बी कम्प्लीटेड बाई ऑफ तो ये जो एटीथ ऑफ अगस्त की न्यू डेडलाइन आई है वो किस चीज के लिए है क्योंकि मैंने अपने रिसेंट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो असाइनमेंट्स का हमारा जो डेडलाइन है वो नवंबर के मंथ में शेड्यूल है बट आप लोगों का फिर uh, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि सिमरन ये एटीथ ऑफ अगस्त की कौन सी न्यू डेडलाइन आई है तो हम इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज हम इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आ, अगर आप फॉलो करोगे ना प्रॉपरली तो आपके जो माइल स्टोन्स हैं ना वो टाइमली कंप्लीट हो पाएंगे एंड अपना आप टाइमली मैनेज करके अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर पाओगे सो गाइज इसी बात पर ना फटाफट से चलें को सब्सक्राइब कर दो लाइक like कर दो शेयर कर दो एंड कमेंट भी कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो असाइनमेंट के किस टॉपिक पर चाहिए सो so दैट की मैं आप लोगों के लिए ला सकूं सो so दैट की आपकी कंफ्यूजन uh, क्लियर हो सके सो so फिर चलते हैं वीडियो में विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट सो गाइज ये आ चुका है हमारा पोर्टल तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कैलेंडर पे लेके जाना चाहूँगी जहाँ पर हमारे सारे ही अपकमिंग इवेंट शो कर रहे हैं बट उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ ये हमारा एक वेबिनार का एक नोटिफिकेशन है आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा ये बेसिकली एक अकाउंटिंग सेशन है अकाउंटिंग वेबिनार है थ्री डेज वेबिनार है तो जो लोग इंटरेस्टेड है आप लोग देख सकते हो तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कैलेंडर पर कैलेंडर पर हम जैसे जाते हैं आपने अगस्का, अगस्का अपने अगस्त का फर्स्ट अगस्त का अपने अपडेट आप आ, पता ही है कि फर्स्ट मॉड्यूल के जो हमारे असाइनमेंट्स हैं वो लाइव हो गए थे एंड मैंने अपने रिसेंट वीडियोज़ पर भी आप लोगों को नोटिफाई करवा दिया था एंड आपने लास्ट वाली वीडियो पर बहुत अच्छा प्यार दिखाया सो थैंक्स लॉट फॉर ऑल द लव एंड उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है एटीनथ ऑफ अगस्त का जहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे हमारा ये इंपॉर्टेंट इवेंट दे रखा है जिस जिसपे लिखा है माइलस्टोन स्टोन वन टू बी कंप्लीटेड तो मेरे को इस टॉपिक पर ही वीडियो लानी थी और डेट लिख रखी है एटीनथ ऑफ तो अगस्त क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में डेडलाइन बताई थी नवंबर के लिए बट गाइज ये माइस्टोन वन है माइलस्टोन स्टोन वन बेसिकली पार्टीशन है जितने भी आपके कोर्सेज हैं ना वो सबका एक पार्ट करा हुआ है माइलसोन वन माइलसोन टू एंड आपको सारे अगले आने वाले मंथ्स में भी ना जैसे नवंबर से पहले पहले कुछ कुछ डेट्स में ना नोटिफाई होता रहेगा कि माइस्टन टू भी कम्प्लीटेड माइस्टोन थ्री टू भी कम्प्लीटेड ऐसे ही सो ऑन करके हमारे सारे माइलस्टोन डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं पहले तो ये हो गया माइलस्टोन का छोटा सा कंसेप्ट एंड अब माइलस्टोन ये माइस्ट्रोन ऑफ अगस्त का इन्होंने इसलिए दिया है सो so दैट ये थोड़ा हम लोगों का ना डिसिप्लिन मेंटेन रहे अब हम अगर मॉड्यूल मौ, वाइज चलेंगे या माइस्ट्रोन वाइज चलेंगे ना तो क्या होगा कि हमारा एक सेपरेटली टाइमली हमारा टॉपिक टॉपिक वाइज हमारा माइस्ट्रोन भी कम्प्लीट होता रहेगा असाइनमेंट भी कम्प्लीट होता रहेगा एंड हमारा एक डिसिप्लिन बन रखेगा इन ओवरऑल कोर्स में तो इनका ये मेन एम था कि इन्होंने माइस्ट्रोन वाइज हमें असाइनमेंट्स दिए हैं अब माइस्ट्रोन वन को समझ

माइलस्टोन वन के अंदर ये इंक्लूड है एंड उसके बाद माइलस्टोन वन मैं आपको बता देती हूँ माइलस्टोन वन में हमारी सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी एंड जो हमारे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चन हैं क्विज़स हैं वो रहेंगे एंड मॉड्यूल वन का असाइनमेंट रहेगा अब हम देख लेते हैं कि हमें ये मॉड्यूल वन जो दे रखा है हमें इसको कम्प्लीट करने के लिए कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं ठीक है हम सबसे पहले मैं आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट में लेके चलती हूँ एंड जो भी सब्जेक्ट मैं आपको दिखाऊंगी ना बाकी सब सब्जेक्ट्स का भी बिल्कुल सेम ही है क्योंकि अगर मैं एक एक सब्जेक्ट का कर करके दिखाऊंगी ना तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी तो सबसे पहले सपोज हमें मैनेजरल इकोनॉमिक्स का मैंने अपना फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट करना है जो कि एटीनथ ऑफ अगस्त के लिए शेड्यूल है ठीक है हम चलते हैं मैनेजरल इकोनॉमिक्स पे ठीक है अब हमारा ये पूरा फिस खुल गए हैं जहां पर हमारी सारी ही डिटेल्स हैं आप थोड़ा सा नीचे जाओगे आपको ये साइड पे भी इवेंट्स दिख रहे हैं माइल स्टोन वन टू भी कंप्लीटेड ठीक है सबसे पहले हमारा आता है माइल स्टोन वन प्रोग्रेस तो ये आपको पता है कि अभी ये कुछ स्टार्ट ही नहीं करा गया तो ये जो लाइन जीरो परसेंट पर दिख रही है ना तो ये जीरो परसेंट ही है अब आप जैसे यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स में जैसे अब अपना मैंने मैंने अपना मैनेजरल इकोनॉमिक स्टार्ट करें तो जैसे आप अपना कोई भी सब्जेक्ट ओपन करोगे ना तो आपको सेपरेटली लाइब्रेरी दिख जाएगी मॉड्यूल वन की अब मॉड्यूल वन बेसिकली एक यूनिट है मैनेजरल इकोनॉमिक्स में हमारे टोटल आप देख सकते हो हमारे पाँच मॉड्यूल्स हैं जिसमें से फर्स्ट जो यूनिट है वो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है ठीक है तो मॉड्यूल वन का जो सारा ही हमारा टास्क है ना वो सब मिल ये हमारा माइस्टोन वन बनता है गेटिंग माई पॉइंट समझ रहे हो आप तो ये माइस्टोन वन बनता है ठीक है अब जैसे हमारा मॉड्यूल वन का ये सारा ही टॉपिक है ना जो वट इज़ डिमांड सपोज हमारा ये सब टॉपिक्स है मॉड्यूल वन के वट इज़ डिमांड एंड उसके बाद हमारा ये सारा ही वट इज़ सप्लाई एंड उसके बाद हमारा डिमांड फॉर कास्टिंग एंड लास्ट केस स्टडी तो ये हमारा पूरा मॉड्यूल वन है एंड मॉड्यूल टू तो खैर हमारा नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी मॉड्यूल टू के लेकर तो अभी फिलहाल के लिए कोई काम नहीं है इसका एंड फॉर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट्स तो ये हमारा टोटल जैसे हम यहाँ पर टिक टिक करते रहेंगे ना यहाँ पर आपको बॉक्सेस भी दे रखे हैं जैसे सपोज मैंने डिस्कशन फॉर्म अपना करा एंड उसके बाद नेचर ऑफ़ इकोनॉमिक्स करा ये टेस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग करा ये सब कुछ करा और धीरे धीरे आप देखोगे ना व्यू में प्रोग्रेस में जाके आपका यहाँ पर लेवल अप होता रहेगा आप देख रहे हो यहाँ पर यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया है यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया है और देखो हमारा कुछ परसेंट फिल हो गया होगा नीचे जाओगे हमारा टेन परसेंट हमारा जो माइलस्टोन था वो कवर हो गया ये मेन चीज़ है माइस्टोन वन जो हमें कंप्लीट करनी है अब जैसे मैं इसको सबसे पहले आपने डिस्कशन फॉर्म अपना फिल करना है एंड जो हमारे ये वीडियोज़ हैं अब जैसे हम वीडियोस देखेंगे आपको इस तरीके से अपना मॉड्यूल वन अपना कंप्लीट करना है अब वो आपके ऊपर है कि आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू करते हो या फिर अपना पीडीएफ से करते हो Because. और ये जितनी भी सारी रिकॉर्डिंग्स है ना कहीं ज़रा टेंशन मत लो इजीली हो जाएगा ये जो आप ब्लैक 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 अपने आइकन्स पर देख रहे हो ये सारे ये सारे हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं जैसे आप देख रहे हो ब्लैक आइकन्स में हमारे ये सारे वीडियो लेक्चर्स हैं एंड उसके बाद जैसे हम अपना एक एक वीडियोस देखेंगे हमारा प्रॉपरली एक छोटा सा टेस्ट है इस टेस्ट के कोई नंबर नहीं है आराम से प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए दे रखे हैं मैंने हर वीडियो में बताया है तो आप लोग आराम से इसको क्विज करके ना एक अपना जो प्रॉपर जिस जो हमारा मेन असाइनमेंट है नीचे जाके जो हमारा मेन असाइनमेंट है ना उसके लिए आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो एक तरह का आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ये फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट जो ये वाला है ना जो जो लास्ट वाला इसके लिए हमारे प्रॉपर मार्क्स लगेंगे जैसे आप ओपन करोगे हमारा थ्री आवर्स का है लिखा हुआ है इसमें पूरा ठीक है हमारे ये असाइनमेंट का इसमें मार्क्स एड ऑन होना है तो जो ऊपर ये जो छोटे छोटे असाइनमेंट दे रखे हैं ना ये हमारे सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है तो आप इसको अपना प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो एक तो ये बात हो गई ये हमारा मॉडल ये हमारा माइलस्टोन वाइज हो गया एंड उसके बाद देखो वो आपके ऊपर है कि आप अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जाओगे या फिर आप पीडीएफ से जाओगे अब देखो असाइनमेंट्स के लिए ना आपको ये भी आप कर सकते हो जैसे आप सपोज ये पूरा वीडियोज़ वगैरह देख के अपना ये छोटे छोटे जो टेस्ट दे रखे हैं इसको अटैम्प्ट करके अपना पूरा बेस बना के सीधा असाइनमेंट अटैम्प्ट कर लो बाकी एक सेकेंड भी ये है कि जैसे आप ऊपर जाओगे यहाँ पर स्टडी मटेरियल दे रखा है इकोनॉमिक्स का मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप आपको देखो ये मॉड्यूल वन का नाम जितना भी वीडियो लेक्चर्स में दे रखा है उसका हमें एक सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर रखी है हमारे सिलेबस की मॉड्यूल वन की हमारे फर्स्ट यूनिट के लिए अब नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ये हमारा सारा ही ना फर्स्ट मॉड्यूल है अब देखो जो स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर्स में इंटरेस्टेड है वो वीडियो लेक्चर के थ्रू जाओ अपना असाइनमेंट कम्प्लीट करने के लिए एंड जो लोग इंटरेस्टेड हैं जो जिनको बुकिश uh, लैंग्वेज uh, चाहिए जो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना चाहते हैं जिनके पास बुक्स हैं अपनी बुक्स को रेफर करके आप सिंपली यहाँ से अपना रीड आउट करके फर्स्ट मॉड्यूल अपना प्रिपेयर करके देन यू कैन कैन अटैम्प्ट की और फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट जो हमें सबमिट करना है बाई एटीन ऑफ अगस्त फर्स्ट मॉड्यूल का आप अपना ऐसे भी अटैम्प्ट कर सकते हो तो ये देखो ये हमारा सारा फर्स्ट मॉड्यूल के लिए जिनको अपना एक तरह का बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आ, अपनी बुक्स को भी रेफर कर सकते हो बाकी देखो वीडियो लेक्चर तो देखो छोटे छोटे से ही हैं दस से बारह मिनट के लेक्चर्स हैं अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो उसमें जाओ अदरवाइज आप ये वाला ऑप्शन भी देख सकते हो ठीक है अब ये हमारा ये सारा हो गया मतलब देखो दो ऑप्शन है देखे हैं मेन चीज़ या तो आप यहाँ से ऐसे कर लो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर लो या फिर आप सॉफ्ट कॉपी को अपना रेफर कर सकते हो और बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगर अगर आप दोनों भी करोगे तो आराम से हो जाएगा ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं आप लोग कर सकते हो आराम से एंड माइस्ट ऑन वन एंड ऐसे ही ये सारी चीज़ें ही ना हमें हर सब्जेक्ट की करनी है जैसे मैनेजर इकनॉमिक्स का मैंने आपको दिखाया अब सपोज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में जाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में जाएंगे तो नीचे जाके आपको देखो ये सेम चीज़ मिल जाएगी मॉड्यूल वन छोटे छोटे से हैं बिल्कुल एक तरह की एक एक यूनिटी है सारे सब्जेक्ट्स की मैं तो चाहती हूँ कि मतलब आप करो आराम से सो so दैट कि आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ सके आराम से ना होता रहेगा क्योंकि तीन महीने हैं अब देखो आपको एक एक मॉड्यूल के लिए दो दो हफ्ते मिले हैं सो आई थिंक इनफ है ये टाइम इतना सारे सेम्स के लिए मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट को एक या दो दिन भी दोगे ना मैथ्स तो आराम से हो जाएगा तो हमारे पास दो हफ्ते हैं आप लोग आराम से कर सकते हो अब ये हमारा पूरा फर्स्ट मॉड्यूल है मार्केटिंग मैनेजमेंट का ठीक है यहाँ से आप वीडियो लेक्चर अटेंड करोगे और आराम से अपना स्टडी मटेरियल भी एक्सेस करके हम आपका ये जो नीचे ये माइसरून दे रखा है ना ये कम्प्लीट होता रहे ये होता रहेगा माइस्रोन वन ये कम्प्लीट होता होता रहेगा फिर उसके बाद अपना करके आप नीचे फर्स्ट असाइनमेंट अपना अटैम्प्ट कर सकते हो जो हमारा ये फर्स्ट मॉड्यूल असेसमेंट है इसके नंबर लगेंगे तो टोटली totally आपका जैसे ये होता रहेगा आप उसके अकॉर्डिंगली अपना फर्स्ट मॉड्यूल असेसमेंट अपना अटैम्प्ट कर सकते हो एक्सेस अपने असाइनमेंट्स को एंड इसी चीज़ के लिए हमें ये अपडेट दे रखी थी आप कैलेंडर में नीचे जाओगे बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ थे तो मैंने सोचा कि एक बेसिक सी वीडियो बना दूँ ये हमारा कैलेंडर में हमारा प्रॉपर शो कर रहा है एंड ये चीज़ हमारे प्रॉपर कैलेंडर में यही चीज़ शो कर रही थी जो आप लोग काफ़ी टेंस हो गए थे तो कैसे टेंशन वाली बात नहीं है बस आराम से थोड़ा ना अपना शेड्यूल बनाओ थोड़ा टाइम टेबल बनाओ एंड सपोज जैसे आपने एक सब्जेक्ट को दो से तीन दिन देने हैं तो ऐसे ऐसे करके पाँच सब्जेक्ट्स हैं आराम से हो जाएगा हमारे पास दो हफ्ते हैं अपने माइस्टोन के लिए एंड आगे भी ऐसे हमारे सो ऑन आप देखोगे ना जैसे नीचे अब मैं नेक्स्ट माइल अगर देखूँ मॉड्यूल जो माइस्टोन टू है वो भी ये देखो फर्स्ट सितंबर के लिए हमारा शेड्यूल है माइस्टोन टू एंड जो हमारा एटीन अगस्त के बाद मतलब वही ऑलमोस्ट हमारे दो हफ्ते मिल रहे हैं हमें अपने सारे असेसमेंट्स के लिए तो ये एक तरह का हमारा जो असाइनमेंट है ना वो प्रॉपर वो डिवाइड कर रखा है इन मॉड्यूल्स में जो हमारा पूरा असाइनमेंट है एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट भी और यूनिट वाइज भी, भी हमारा सारा इन्होंने डिवाइड कर रखा है तो उसमें कन्फ्यूजन मत ज़्यादा करना बाकी ये देखो माइल में मैंने आपको बता दिया कि माइस्टो वन में हमारा हर सब्जेक्ट का एक माइस्टोन मतलब एक एक यूनिट हर सब्जेक्ट की आपको कंप्लीट करनी है एंड माइंड स्टूडेंट में जो भी आपके टेस्ट है और अंडरस्टैंडिंग कोर्सेस वगैरह कर लोगे तो बेटर है बाकी फर्स्ट मॉड्यूल का जो असाइनमेंट है वो आप क्लियर कर सकते हो सो so, यही थी एक बेसिक सी वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी हाँ गाइज़ बाकी मैंने सोच रहा है बाकी अब मैं सोच रही हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो ना एक असाइनमेंट की स्ट्रैटेजी के ऊपर लाऊं कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है एंड हमें दिन में किस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है एंड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन असेसमेंट्स तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए मेरे साइड से सो so आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करना एंड गाइज हम इस वीडियो पर ना एक टारगेट रखते हैं छोटा सा जो कि बहुत ईजी है हम इस वीडियो पर ना अगर आप लोगों ने दो सौ लाइक्स कर दिया ना लिटरली मैं अपनी बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटी आप लोगों के लिए ला के दिखाऊंगी सो so दैट कि आपकी उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है सो so गाइज प्लीज़ आप लोगों के लिए छोटा सा टारगेट है इस वीडियो पे ना 200 लाइक्स कर दो फिर मैं जैसे ही हमारे 200 लाइक्स हो जाएंगे कंप्लीट, उसके नेक्स्ट डे ही आप लोगों को वीडियो दिख जाएगी मेरे चैनल पे, जिसमें जिसके ऊपर हम पूरा एक टाइम टेबल बनाएंगे स्ट्रैटेजी बनाएंगे सो so दैट कि हम अपना असाइनमेंट बिल्कुल बेस्ट वे से परफॉर्म कर सकें सके सो या गाइज दिस इज़ फॉर द डे आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या दिस इज़ फॉर द डे आई होप की हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग